स्टार्टअप के मामले में दिल्ली भले ही बैंगलोर से आगे निकल गया हो, लेकिन पॉलिसी के मामले में अब भी काफी पीछे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टार्टअप रैंकिंग के मामले में दिल्ली देश के टॉप 15 राज्यों में भी शुमार नहीं है। मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में स्टार्टअप इंडिया भी शुमार है। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है। इस सेक्टर में टैक्स से जुड़ी समस्याएं हो या फिर पॉलिसी के लागू करने में दिक्कतें, इन सब को दूर करने पर काम किया जा रहा है। हाल ही में स्टार्टअप की संख्या के मामले में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर लिया गया, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संख्या के लिहाज से दिल्ली NCR देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। अगर बात सिर्फ राजधानी की करें तो पॉलिसी के मोर्चे पर यह देश के टॉप 15 राज्यों में शामिल नहीं है। ये रैंकिंग केंद्र सरकार के पैमानों के आधार पर तय की गई है। अब इसमें तो समस्या दिल्ली में स्टार्टअप से जुड़ी पॉलिसी की, जिसे 2 साल बीतने के बाद भी लागू नहीं किया जा सका है। देश के ज्यादातर बड़े राज्यों में स्टार्टअप से जुड़ी नीतियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। हालांकि मंदी के दौर में जिस तरह की चुनौती का सामना पूरा स्टार्टअप सेक्टर कर रहा है, उस पर जानकारों का मानना है कि ये सेक्टर दूसरे सेक्टर्स के भरोसे चलता है। बिना फंडिंग के इसके बढ़ने की उम्मीद कम होती है। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब हर तरफ से इसको बढ़ने में मदद मिले। डीमोनेटाइजेशन की वजह से और GST इंट्रोड्यूस होने की वजह से थोड़ा सा देयर वाज अ डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट एंड द फंड रेजिंग। अभी अगर आप देखोगे विद द इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो डिक्लाइन इज कंटिन्यूइंग। तो अभी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जहाँ पे पीपल आर लूजिंग द जॉब, विद दैट जो कंपनीज हैं वो दे विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू द R&D एंड द इनोवेशन। सो दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द स्टार्टअप्स इन अ वे। एंड नाउ गवर्नमेंट हैज टू कम इन, उनको थोड़ा सा स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट बूस्ट करना पड़ेगा, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए स्टार्टअप्स पे भी, पूरा ग्रोथ कंसोलिडेट हो, ये विशियस साइकिल ब्रेक हो। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इससे ना केवल क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स आएंगे, पर ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो भी बूस्ट होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा, गुड़गांव समेत दिल्ली NCR में 7,000 स्टार्टअप्स हैं, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों में से 80% नोएडा या गुड़गांव में है। $1 अरब से ज्यादा वैल्यू वाली करीब सारी कंपनियां भी बाहरी इलाकों में ही है। दिल्ली में हर साल नए स्टार्टअप्स खुल तो रहे हैं, लेकिन इसी तेजी के साथ ये बंद भी हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली में को वर्किंग स्पेस की कमी को माना जा रहा है। कैनॉट प्लेस जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्पेस सिर्फ बड़ी कंपनियां ही अफोर्ड कर पाती है। ऐसे में दिल्ली के लिए पहले इस चुनौती से निपटना जरूरी है। अगर बाकी राज्यों के हिसाब से देखिए तो हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां स्टार्टअप के विस्तार की काफी गुंजाइश है। जानकारों का भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप की असीम संभावनाएं हैं, वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कश्मीर तो एक मौका है स्टार्टअप के लिए, लेकिन देश में इस मिशन को जिस जोर शोर से शुरू किया गया था, वैसा असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। 3 साल बीतने के बाद भी ये सेक्टर अभी तक पॉलिसी और टैक्स की मुश्किलों से नहीं उबर पाई है। स्टार्टअप योजना शुरू होने के बाद से हजारों लोगों को DIPP ने स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है, और इनमें से कई को टैक्स रियायत भी मिली है। ऐसे में अब अगर इस सेक्टर में तेजी आती है तो भारत जल्द एक स्टार्टअप हब बन सकता है। अनुराधा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।